फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ बिंदासगल ब्लॉक्स और मैं जा रही हूँ अपने इष्ट भैरव बाबा के कुल के देवता, वहीं जा रही हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ फाइनली, अभी मैं तैयार तो हो गई हूँ, मैंने सूट वगैरह पहन लिया है, अब मैं दिखाती हूँ पूरा लुक। हम निकल चुके हैं भैरव बाबा के जाने के लिए, और जैसे कुल की देवी होती है वैसे कुल के देवता भी होते हैं। हमारे कुल के देवता है भैरव जी महाराज, जो शिव के अवतार था भैरव जी महाराज शिव का रूप। हम जा रहे हैं हमारे कुल के देवता भैरव जी महाराज, जो कि शिव भगवान के रुद्र अवतार होते हैं भैरव जी, और मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, और इसीलिए देख सकते हो आप मैं पागल कैसे नाच रही हूँ पागलों की तरह। हे गाइस, फाइनली हम भैरव जी के जा रहे हैं, भैरव जी के जा रहे हैं, और अब ना हम आए हैं मेन रोड पे, हाईवे पे खड़े हुए हैं, और पीछे देख सकते हो आप, पीछे जो है पीछे देख सकते हो आप ना, देसी शराब मिलती है, शराब यहाँ लेनी पड़ रही है भैरव जी की पूजा में जाती है शराब। फाइनली मैं देखो तैयार तो हो चुकी हूँ, जा रही हूँ, और मेरा भाई है पीछे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, एंड ये भाई वे पे हम ले रहे हैं दारू बोल रहे हैं। फाइनली हम पूजा पाठ ले रहे हैं, पूजा ले रहे हैं, यहाँ पर दुकान है, यहाँ से हम पूजा पाठ ले रहे हैं। ये डीजे कार है ना, इनमें डीजे बजता है, छोटी छोटी कारों में बहुत मस्त साउंड बनते हैं, मैं सोच रही ले लूँ क्या मेरे लिए नाचने को, नहीं पड़े हम आ चुके फाइनली। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं रेगिस्तान में आ गई हूँ क्या, और ऐसा लग रहा है फोटो शूट कराऊँ, मस्त फोटो शूट होगा यहाँ पे, लेकिन मैं तो भैरव जी के डॉग ले आई हूँ, आपको दिखाते हैं भैरव जी। आप देख सकते हो इस खेत में जो बो रखे हैं, जो के खेत को पार करके तो भैरव जी के जाने, भैरव बाबा के हमारे कुल के देवता है भैरव जी महाराज, हमारे इष्ट, और हमारे दादा परदादा भी यहाँ प्राचीन काल से डोकने आते थे हर नवरात्र में, और हम लोग भी ये परंपरा जारी रखे हुए हैं। देख सकते हो देवनारायण जी की चौकियाँ बनी हुई है, प्राचीन काल से बनी हुई है, ये मेरे दादा परदादा भी यहाँ की पूजा करते थे देवनारायण जी के डोक लगाते हुए। जय देवनारायण महाराज की जय। देख सकते हो छोटी छोटी चौकियाँ बनी हुई है, छोटी छोटी चौकियाँ, यहाँ पर कबूतर आ गए हैं बहुत सारे। भैरव जी के आसपास बावन वीर की जो चौकियाँ बनी हुई है, बावन वीर है जी, यहाँ पे छोटी छोटी चौकियाँ बनी हुई है, और भैरव बाबा की असीम कृपा, हमारे कुल के देवता हैं ये भैरव बाबा, जो बड़ा चबूतरा बना हुआ है भैरव जी, तो प्राचीन काल से बनी हुई है ये, बहुत ही पुरानी है, और यहाँ पर जब उस जमाने में कहते थे, आप देख सकते हैं ये वहाँ ये भैरव जी का मंदिर है, और यहाँ पहले के ज़माने में प्राचीन काल में कहते थे कि एक राक्षस हुआ करता था, तभी इन्होंने भैरव जी बाबा ने कहा था गांव वाले से, वो गांव वाले का एक आदमी का पक लेता था और खाता था, तभी गांव वालों ने बोला कि भैरव जी आके, भैरव जी ने बोला कि मैं आऊँगा, गुगुरु की आवाज़ आएगी, और भैरव जी इतने ताकतवर थे यहाँ के गाइज कि उस राक्षस को इन्होंने मार दिया, और इस गांव को उससे आज़ाद किया, और भैरव जी की अभी तक भी वही मान गाँव, देख लीजिए यहाँ पर इतने भाले लगे हुए हैं, ये जो लोगों के काम करते हैं वही लोग यहाँ भाला चढ़ा के जाते हैं गाइज, सब देख सकते हो भैरव बाबा की बहुत मान्यता है, और यहाँ पे मंदिर छोटी छोटी चौकियाँ बनी हुई है, प्राचीन काल से ही दादा परदादा के टाइम से ही यहाँ पे हमारे पूर्वज वगैरह भी ढोकने आया करते थे, और हम भी आए हैं, और ये चिता रही है, और बहुत ही अच्छी जगह है गाइस, अगर सा बना हुआ है, ये देवनारायण की चौकियाँ हैं, देवनारायण जी भगवान की चौकियाँ हैं, देख लीजिए आप, और ये प्राचीन काल से ही बना हुआ है, काफ़ी भव्य है, यहाँ पे बहुत पुरानी हमारे कुल की मान्यता है, दादा परदादा टाइम से ढोकते हुए आ रहे हैं, और अभी भी हम जिस परंपरा को निभा रहे हैं, और हमारे परिवार दर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी ऐसे ही। आप देख सकते हो गाइस काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और काफ़ी मतलब दादा परदादा के टाइम से ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ढोकने ओकने, और मन्नतें हमारे कुल के देवता हैं ये भैरव जी महाराज, इष्ट कुल की देवी तो मैंने आपको दिखाई दी, और ये हमारे कुल के देवता हैं, और देख सकते हो आप कुल के, जैसे कुल की देवी होती है वैसे कुल के देवता भी होते हैं, वैसे हमारे इष्ट है भैरव जी बाबा, भैरव जी महाराज, और इनकी हम पूजा काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से अभी भी हम कर रहे हैं, देख लीजिए पीछे भैरव जी महाराज का जो बहुत बड़ा सा चबूतरा, बड़ा भरा भव्य चबूतरा है, यहाँ पे जागरण वागरण बहुत से प्रोग्राम होते हैं, और देख सकते हो आप जिनके काम होते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पर भाले वगैरह ये बना के लगा देते हैं इनके, जैसे किसी का बच्चा हो गया, किसी को कुछ जॉब वॉब मिल गई, या कुछ भी जो भी उनकी मन्नत होती है वो पूरी होने के बाद ही यहाँ पे ये किया जाता है, और जैसे मैं भी बन गई बहुत बड़ी यूट्यूबर, तो मैं भी ज़रूर इनके कुछ ना कुछ करवाऊँगी गाइस, जो जी महाराज की कृपा से
हमारे परिवार में सुख शांति आए भगवान, हम खुश रहे सारी फैमिली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल ब्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग। और यहाँ पे हम ये गंदी नोगी की तारी माइक देख लीजिए।